मेरे प्यारे भाई YouTube फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मुझसे मिलिए, मैं हूँ सोनिया सहले एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। चले जी, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे से। आज की वीडियो आप सबके लिए है, मतलब सबके लिए। वो कैसे? आज मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसको इस्तेमाल करके, जिसको यूज़ करके, जिसको ट्राई करके आपको मिलेंगे बेहतरीन सारे अच्छे वाले जो है ना रिजल्ट्स। वो कैसे? वही, वो ऐसे कि उसमें जो है चीज़ें, वो सब तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे मौजूद हैं जो आपको फेस को, हमारे फेस पे जो है वो ग्लो प्रोवाइड करते हैं, हमारे फेस के ऊपर जो स्पोर्स बने होते हैं उसको जो है वो रिमूव करते हैं, रिमूव करने में मदद देते हैं। और दूसरी बात, जिनको फ्रैकल्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है, जिनको फ्रैकल्स, मतलब समझ सकते हैं आप, जिसको फ्रैकल्स हमेशा यहाँ पे नोज़ में थोड़े थोड़े से जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं फेस के ऊपर, जिनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, उनके लिए ये रेमेडी बहुत 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 अच्छी है। और जो चाहती हैं कि मुझे दिनों दिनों में जो है वो ग्लो मिल जाए, फेयरनेस, हमारा फेस जो है वो फेयर हो जाए, हमारा फेस के ऊपर एक अच्छी सी ग्लो आ जाए, शाइन आ जाए, तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेमेडी ज़रूर 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 जो है ना बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आजकल हम लोगों का बहुत सारा मसला बना हुआ है कि भाई हमारे, हमें भी, हमारा कलर भी जो है वो फेयर होना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करके अब रिजल्ट्स उनका मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है फेस का। और उसके बाद कोई ऐसी मेडिसिन आई हुई है जिसकी वजह से ना हमारे फेस के ऊपर, मतलब खाने के बाद हमारे फेस के ऊपर इतना ज़्यादा उसका असर दिखना शुरू हो जाता है ना, कि उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं कि भाई हमें जो है इस चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए, इस चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो हमें अच्छा होने के बजाय वो और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है फेस का। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऐसे चीज़ों को बाय बाय करें और वो चीज़ें यूज़ करें जो वाकई ही ऑर्गेनिक है। बहुत सारी जो है कंपनी मार्केट में ऐसी आई है जो सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही प्रोवाइड करती हैं, तो कोशिश करें कि उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहीं कर सकते तो ये वाली रेमेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा असर करेंगे। ये बात नहीं है कि इनका कोई असर नहीं होता, इनका असर होता है, उससे ज़्यादा होता है, बट थोड़ा सा बात यह है कि ये थोड़ा सा लेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ होगी वो आपको थोड़ा सा लेट रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन जी रिज़ल्ट जो है वो लाजमी प्रोवाइड करते हैं जो रेमेडीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको एक जो है एक चीज़, एक वाकया जब मैं एक सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली हम लोग बहुत जल्दी जो है बिलीव कर लेते हैं फेयरनेस के हवाले से किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो उसके हवाले से एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले आप वीडियो देख लो, ठीक है, और आपको आप कैसे बनाना है, उसके बाद मैं आपको जो है बता देती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कितनी दफ़ा अप्लाई करना है, और साथ में वो स्टोरी भी जो है वो शेयर कर देती हूँ। वीडियो देखिए। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए, उसके लिए बाद हमें इसमें ऐड करना है 3 चम्मच बेसन। और ये बेसन जो है हमारे फेस से रिमूव करता है टैन को, हमारा जो फेस है उसके कम्प्लेक्शन को क्लियर करता है, हमारे फेस को लाइट अप करता है, स्किन टोन को बेहतर बनाता है। जी मलाई हमारे जो स्किन को है लाइटनिंग करती है, डेड स्किन को रिमूव करती है, और जी इसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो जो है, सॉफ्टनेस जो है वो प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और मैंने इसको मिक्स कर लिया। साथ में हमें लेमन चाहिए, लेमन के 2 से 3 ड्रॉप ही आपने लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ हल्दी। हल्दी जो है तकरीबन 2 चुटकी बहुत होगी, और ये हमारे फेस के ऊपर जो निशान बन जाते हैं, जो दाने बन जाते हैं, और उसके अंदर से खून से निकलना शुरू हो जाता है, या जो जो है उसके अंदर रेशा पड़ जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ में जी ये यहाँ पर मैंने लिया है हुस्न यूसुफ़, या आप करीब से भी देख लो, ये हुस्न यूसुफ़ कुछ इस तरह का होता है। ये मैंने 1/2 चम्मच लिया है छोटा, और किसी भी पंसार शॉप से जो है वो मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे मैंने लिया है संदल पाउडर, और यहाँ पे मैंने इसका 1/2 चम्मच लिया है, ये भी आपको किसी भी पंसार शॉप से इजीली मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो मैंने इसमें ऐड किया है वो मैंने जी इसके अंदर 2 से 3 जो है वो ड्रॉप आप बादाम रोगन के लेने हैं। यहाँ पे मैंने ये वाली बॉटल यूज़ करी है, और इसमें से 2 से 3 ड्रॉप जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, इसको मिक्स करने के बाद
और इसमें मैंने जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दूध की ऐड किए हैं और इसको भी अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है। अब ये देखें जी, अच्छा जो पेस्ट है आपका, अगर इतने में नहीं मुलायम सा बनता तो आपने थोड़ा सी क्वांटिटी में जो है वो पानी ऐड कर देना है और किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। सो जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी ऐड कर दिया था और वो कितना मुलायम सा हमारा बेहतरीन सा जो है हमारा पेस्ट जो है रेडी हो गया है। फेस पैक हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना है, उसके बाद जो है आपने अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। और जी हुस्न यूसुफ और जो हमने संदल पाउडर इसके अंदर ऐड किया है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये वो पेस्ट है। अब पेस्ट जो है ये मैं फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ और इस फेस को आपने जो है फेस पैक को 15 से 20 मिनट जो है ऐसे ही अपने फेस के ऊपर लगा के रखना है जब तक ये फुली ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमने गीले पानी के साथ हल्के हल्के हाथों के साथ अपने फेस को हल्के से मसाज के साथ जो है इसको वॉश कर लेना है। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम फेस पैक जो है यूज़ कर रहे हैं, हुस्न यूसुफ और संदल पाउडर, बेसन वगैरह, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फेस को बहुत अच्छे से जो है वो ग्लो प्रोवाइड करती हैं और फेयरनेस प्रोवाइड करती हैं। साथ में जो हुस्न यूसुफ है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऐड होता है और फेशियल में भी ऐड किया जाता है ताकि वो हमारा जो रिज़ल्ट है उसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट सामने आए। और जी संदल पाउडर एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है जो हमारे एक्नी को जो है वो कम करता है, उसे ख़त्म करता है। और ये अगर आप जो है वो अफेक्टेड एरिया पे लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेल्प मिल जाती है इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फेस पैक मेरा ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा गीला है बट इसको जो है मैं हल्के हाथों के साथ मसाज करके जो है वो रिमूव कर दूँगी। और जी मैं अभी आती हूँ वॉश करके। ले जी, रिज़ल्ट आपके सामने है और ये आपको इंस्टेंट जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और आपके सामने है कि आपको जो है वो फेस के ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो फील हो रही होगी। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है, बेबी स्किन जैसे फील हो रही है। आप इसको ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट खुद पता चल जाएगा। अच्छा जी, तो मेरे फ्रेंड्स, आपने जो है लगाने का तरीका भी देख लिया है, बनाने का तरीका भी देख लिया है और आपने इसको जो है किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी देख लिया। अब आपने इसको हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है मसलसल अप्लाई करते रहना है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे छोड़ दें, वेडनेसडे, फिर थर्सडे छोड़ दें, फ्राइडे, सैटरडे छोड़ दें, संडे, ठीक है। इसी तरह से मतवातर करते रहना है, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपको जो फेस के ऊपर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अगर वो चीज़ उसको ना मिले तो आपको पता है कि वो चीज़ जो ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक पौधे की मसाल लेते हैं, अगर पौधे को पानी नहीं मिलता तो भाई वो चीज़ मुरझा जाता है, पौधा मुरझा जाता है। इसीलिए फेस को भी जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो चीज़ें इनको नहीं मिलेंगी तो वो चेहरा जो है हमारा डल हो जाता है, हमारे फेस के ऊपर जो है दाग धब्बे नमाया होना शुरू हो जाते हैं, हमें पिम्पल्स का मसला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये अच्छे से जो है वो प्रोवाइड करेगा और आपको बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपने इसी तरह से यूज़ करना है। मंडे आपने यूज़ कर लिया, ट्यूसडे आपने स्किप कर लिया, देन वेडनेसडे आपने यूज़ कर लिया, थर्सडे आपने स्किप कर लिया। इसी तरह मतवातर आपने करते जाना है जब तक आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल जाता, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जो है गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इसके अंदर जो हमने मलाई ऐड की है, ठीक है, बटर, वो जो मिल्क क्रीम ऐड की है वो हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन उस आज का इस्तेमाल किया हुआ ये चीज़ हमें गर्मियों में जाके इतनी अच्छी सी जो सॉफ्ट स्किन प्रोवाइड करेगी कि आपको जो है वो उसी वक्त पता चल जाएगा कि हमने कितना अच्छा सा जो है वो मिक्सचर रेमेडी यूज़ की थी, जिसका रिजल्ट हमें समर्स में मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अभी से जारी रखो तो ताकि आने वाले टाइम में भी आपको ये बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। तो आपने जो है अभी मैंने आपको जो है अप्लाई करके दिखाया था और आपको ये भी दिखाया था कि इसका रिज़ल्ट जो है इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको कितना अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें तमाम ही चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो सिर्फ यूज़ की जाती हैं फेयरनेस के हवाले से, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तो उन सबको अगर आप उसके ऊपर नहीं जाना चाहते, उन सबको जो है किक आउट करके तो आप ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर ही ध्यान दें, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी जो शेयर कर रही हूँ वो शेयर करनी थी, और वो ये थी कि जैसे कि मैं एक शॉप पे गई, शॉप पे मैंने कुछ चीज़ें परचेज की, ठीक है। अब उनके पास जो थे वो फेयरनेस, जब मैं चीज़ें कुछ परचेज कर रही थी तो उन्हें लगा कि इनको फेयरनेस जो है ये फेयरनेस के हवाले से चीज़ें परचेज कर रही हैं ये इस तरह से, तो उन्होंने मुझे, जबकि मैं नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपनी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो परचेज़ कर रही थी,
तो जी उन्होंने मुझे लाके दे दिए कैप्सूल्स कि ये आप खाएं और आपको मिलेगा ज़बरदस्त, जो है ज़बरदस्त वाला ग्लो। आप जितनी ज़्यादा खाएंगे आपके फेस जो है वो फेयर हो जाएगा और ये सारा कुछ ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा जी, जब मैंने उनसे प्राइस पूछी कि इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी प्राइस जो है ना पूरे पत्ते की तकरीबन उसके अंदर 10 से 12 गोलियाँ थी, और उस पूरे पत्ते की जो प्राइस थी ना 140 रुपीज़, ओनली 140 रुपीज़। तो आप खुद सोचो कि 140 रुपीज़ में आपको एक तो आप खा रहे, ऊपर से आपको वो कह रहे हैं कि फेयरनेस प्रोवाइड करें, कैसे हो सकता है ये। तो आपके साथ भी कभी भी कोई भी ऐसा हैंगी वैंगी होनी हो, मतलब अगर होनी होने वाली हो या हो चुकी हो, तो आपने मार्केट से ऐसी कोई भी चिट्टे गुड़े होने के लिए कोई भी मेडिसिन जो है वो नहीं खानी। वो आपके लिए, आपके स्किन के लिए जो है हार्मफुल हो सकती है। ज़्यादातर जो हार्मोन्स होती हैं, ठीक है, लड़कियों के, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल हो सकती है, आगे जाके मसला बन सकता है। तो आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी, ठीक है। और दूसरी बात है ये कि वो जब भी हम कोई चीज़ ऐसी परचेज करेंगे, तो जो शॉपकीपर होते हैं 100 तरह की चीज़ें आपको ला के दे देते हैं कि ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, इसमें ये है, इसमें ये, हमने ये बनाई है, इसका रिजल्ट होता है। तो कोई चीज़ों पे जो है बिलीव ना करें जब तक जो है उसका रिजल्ट कोई ना आपसे शेयर ना कर दे, ठीक है। तो इस तरह की मेडिसिन जो बाज़ार में आम इतने पैसों में मिलती हैं, उनकी तरफ कभी मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करने से नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता, ठीक है जी। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो मेरे वीडियो के ऊपर न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जी मेरी वीडियो को जो शेयर कर दो। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।